ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य संस्थाओं के आह्वान पर यह खामोश जुलूस चार दरवाजा से शुरू हुआ और रामगंज घाट गेट सांगाने रोड होता हुआ मुस्लिम मुसाफिर खाना पहुंचा, जिसके बाद यहां एक सभा आयोजित की गई। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन ट्रिपल तलाक कानून को वापस लेने या सेलेक्ट कमेटी में भिजवाने की मांग को लेकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को बोर्ड सचिव मौलाना मोहम्मद महफूज उमर रहन विमेन विंग की नेशनल चीफ डॉ असमा जोहरा जयपुर से बोर्ड सदस्य यास्मीन फारूकी इस जुलूस की घोषणा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि तलाक और निकाह का कानून हमारी शरीयत और कुरान में है और कुरान और शरीयत के अनुसार तलाक और निकाह होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। वहीं इससे पहले ही केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तीन तलाक पर रोक लगाने का बिल लोकसभा में पारित किया है।